हेलो, कैसी हो? कौन बोल रहा है? ओ, मुझे भूल गई, मैं तुम्हारा बिल्लू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अरे अरे अरे, मेरी बात तो सुन लो मेरी जान। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्यों भाई? अच्छा, तुम नाराज हो मुझसे? मियां बीवी में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। मियां बीवी माय फॉल्ट। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तुमने मुझे फोन कैसे किया? आइंदा मुझे कॉल मत करना। क्या हो गया तमन्ना? अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने अम्मा को मना लिया। तुम कहो मैं तुम्हें खुद लेने आता हूँ, दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। मेरी बीवी हो, अकेला तो नहीं ना छोड़ सकता। अच्छा, आज तुम्हें मेरा बड़ा ख्याल आ गया। और जो धोखा तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मुझसे कोई ताल्लुक मत रखो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि दुनिया देखेगी। अरे वाह, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तुम्हारी सारी बदतमीजियां बुलाकर तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ। और एक तुम हो, मुझे तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँ ना, बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम इतनी खुश हो? मुझे भी तो पता चले। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। और हाँ, मुझे तुमसे फौरन तलाक चाहिए। अच्छा तो ये बात है, कोई और मिल गया है क्या? तुम्हें इससे मतलब? मतबल तो है मेरा तमन्ना जी, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? और तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, वादा है मेरा। बस बिल्लू, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। कहा ना मैंने कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अच्छा, अगर ना दूं तलाक तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगी। अरे तमन्ना जी, आपको पहले भी बताया था, ये कोर्ट के चेहरी में ना बहुत पैसा लग जाता है। और इतना पैसा ना आपके पास है और ना ही मेरे पास, इसलिए बेहतर यही होगा कहीं बैठकर घर की बात सुलझा लेते हैं। आप मुझे बताएं आप कहाँ हैं, मैं वहीं आ जाता हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। मैंने बोला ना तुमसे कि मुझे दोबारा कॉल मत करो और अपने काम से काम रखो। एक बार फिर सोच लो तमन्ना जी, बिल्लू की ऑफर टुकरा कर आपको सिर्फ नुकसान होगा। सीधी तरह से ना ना मानी तो सबसे पहले तो मैं ही केस करूंगा और तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। बीवी हो मेरी, खुद को समझती क्या हो? और मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। रोना तो बंद करो। क्यों ना रो मैं हुस्ना, हाँ ये सब मेरा ही तो कसूर है। मेरी गलती है कि मैंने जिसको चाहा उसने मुझे धोखा दिया, तो ये सब मेरे साथ होना चाहिए था। मैंने मेली को समझाऊंगी। क्या समझाओगी तुम? तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या किया? तुमने बहुत ज्यादती की है उसने। मैंने? हाँ तुमने, मुझे यहाँ लाकर देखा ना, तुमने अली मुझसे नफरत करते हैं। तो तुम जानती हो कि मैं भी यहाँ आना नहीं चाहती थी। ना क्या हो गया? ये तुमसे नफरत नहीं करते, वो बस गुस्से में। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनसे इजाजत नहीं ली ना। ये तुम्हारी बहन का घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, रह सकती हो। नहीं उसने, अली की इतनी नफरत मैं सह नहीं पाऊंगी। तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा, कहाँ जाओगी? बिल्लू तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। तो क्या हुआ? अब तो मेरा नसीब है। नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम पे कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो उसना? तुम्हें डर नहीं लगता? मेरा और अली का एक माजी रहा है, फिर भी तुम हमें एक छत के नीचे रखना चाहती हो। क्योंकि ये माजी नहीं हाल है।
मैं जानती हूँ जो हुआ सो हुआ, तुम्हारे अली के दरमियान अब कुछ भी नहीं। गलती सबसे होती है, गलती हो गई तो क्या हो, उनकी सारी जिंदगी इस पछतावे में ही गुजर जाएगी। लेकिन हुस्ना, लेकिन कुछ नहीं, तुम मेरी बहन हो, अली मेरे शौहर है, मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है, समझ आई? अब उठो, मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। मीना,